अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक जी मैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब भाई अच्छे होंगे। ओहो, इतना सारा कबूतर तान जी आधा पाला है, सारे नीचे उतरे हुए थे। और अजबा हम बोल के तान जी के पास आए हैं और तान जी से आपको गपशप दिखाएंगे। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और सब भाइयों को जो है ना हमारे रमज़ान मुबारक फिर से कहते हैं कि तान जी के बाद दो दिन के बाद हमें लगे कल की तान जी ने जो है ना बुलाया हुआ था, कोई काम था, आ जा रहा हूँ मैं। तान जी का हालत इस टाइम टाइट है, अरे बोला नहीं जा रहा मेरे से, वरना कि तान जी आपको पता कहाँ खामोश होते हैं। ले जी, अस्सलाम वालेकुम तान जी। सबसे पहले तो तान जी रमज़ान मुबारक, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और उमर भाई, हमारे चाहने वालों को, दोस्तों को बहुत बहुत रमज़ान की खुशियाँ मुबारक। आज रोजे का बत्ती गई हुई है तान जी की, तीसरा दिन है तो शुगर पेशेंट है, तो यार दोस्तों यार दुआ करना कि मैं अपने पूरे रोज़े रखूं। आमीन। हाँ, तो और आप लोग भी रोज़े रखें यार, नमाज़ पढ़ें, तरावियाँ पढ़ें। अभी असर की नमाज़ पढ़ के आए तो खोकर भाई आ गए। और खोकर भाई ठीक है? हाँ जी, दिल ही नहीं करता रोज़ा रखे, वार दिल करता घर ही आराम करें, क्या तो करें आप खोकर भाई। बस यार, बस यही एक ज़िंदगी का है, क्या पता अगला साल या कल का दिन हमें नसीब भी हो या ना हो। ऐसी ऐसी यार, अपना ख्याल रखा करो यार, नमाज़ पाँचों वक्त की पढ़ा करें। ये ऐसी नमाज़ें हैं किस्मत वालों को नसीब होती हैं रोज़े रमज़ान में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो एक रकात नमाज फ़र्ज यानी कि कज़ा पढ़ेगा उसको 70 नमाजों का सवाब होगा। दोस्तों यार, हर नमाज के साथ एक कज़ाए अव्वल नमाज की रिजक कर रही है, वो नियत कर रही है। अगर बोलना नहीं जा रहा, ये देखा उम्र है कैसे खुशक हुई, ये देखें बोलना नहीं जा रहा है। ये आओगी ताजी शर्ट में शाइनिंग है, चमक मार रही है। हाँ ये ऐसे ही है, शाइनिंग है। अच्छा, मैं वीडियो में ना चमक मार रही है वो। अच्छा अच्छा, मैं भी कहूँ ये हुआ हो क्या रहा है। हाँ जी, तो दोस्तों यार अपना ख्याल रखा करो। गरीबा समझे, जिन लोगों को रमज़ान का महीना मिला वो खुशकिस्मत है। ये अल्लाह ताला कहता 11 महीने बेशक कुछ नहीं किया तुमने, इस महीना टिका के बात करो, 3 तो रख लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी अल्लाह अल्लाह जी अच्छे गुजरे हैं तीनों, तो पता ही लगा। और नहीं, आज मुझे मैं कहीं गया हुआ था गुलशन, हालत बती गई है आपकी। ये देखो ना मेरा हाल बुरा हुआ हुआ, कोई नहीं, अल्लाह ताला का और घंटा रह गया। और कप्तान जी कुछ बताएं लोगों को रमजान के हवाले से, आपकी माशाल्लाह काफी एज है, काफी एक्सपीरियंस है। कबूतर भाई से हटके, कबूतर भाई तो चलो लगी रहेगी, किस तरह क्या सैरी करें, क्या अफतारी में खाएं? अक्सर लोग शरबत पी पी के, बोतलें पी पी के, जूस पी पी के ना खाना ख़राब कर लेते हैं अपना। दोस्तों यार, जिस वक्त सहरी करा करें ना आप लोग, तो जिस वक्त लास्ट मिनट रह जाया करें ना, तो सूरत अल कौसर का विरद कर लिया करें आप। अच्छा, इन्ना ताइना कल कौसर फसल रबी का वर्मा शानिया का होलबतर, ये पढ़ लिया करें, इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह नबी के सदक़े से प्यास नहीं लगेगी। आप नहीं तो आजमा कर देख लें ये दोस्तों। और अल्लाह का कलाम है यार, अल्लाह के कलाम कोई सही पढ़ो तो बरकतें ही बरकतें हैं यार। तान जी आप है? वो दूसरी बात, उन लोगों के बारे में क्या पैगाम देंगे? अल्लाह पाक हम कब कहते हैं बच्चे हैं, हर बंदे से गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं। जो लोग ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी कबूतरबाजों की, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम उनको बुरा नहीं कहते, वो कबूतरबाजी के चक्करों में, फिरतों के चक्करों में कब अपने रोज़े छोड़ रहे हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ रहे। आप इस बात को एग्री करते हैं कि नहीं करते? नहीं, ये क्या जो कहेंगे, है ना, ये आरजी जिंदगी है भाई, ये वक्ती जिंदगी है ना, ख़त्म होने वाली जिंदगी है मरने के बाद। उसमें हमें लोगों, हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। और जिस वक्त इंसान मर जाता है ना, तो उसका नामा अमाल बंद हो जाते हैं, खत्म खत्म हो जाता। अगर उसने अच्छा काम किया होता है तो उसको यानी कि अल्लाह के हुक्म से यानी कि दूसरे यानी कि जैसे कब्र का अजाब होता है अल्लाह के हुक्म। ये कबूतर बैठा, आ गया, हो गया बच्चा, ओए ये बच्चा निकल गया ओए आ गया, छेड़े 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 तान जी फॉर्म में आ गया कबूतर निकल गया, भीड़ मारता गया है, पीछे ना कहीं बैठ गया वो। अच्छा, चले खैर छोड़े। तो दूसरे ये कि उमर भाई बुरा वो जा रहा है कपड़े डला तेज, पर ही बड़ा तेज चला रहा है तान जी। और दोस्तों मेन चीज़ जो है ना वो है हमें आखिरत की तैयारी। उसमें सबसे पहले हमें अपनी नमाज़ों का अहतमाम करना चाहिए, जो अल्लाह के फरमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम हैं, उस पर हमें अमल पैरा होना चाहिए। और ये वाहिद रमज़ान का महीना ऐसा है कि इसमें अगर आप से या मेरे से या किसी से भी कोई गीबत हो जाए या मेरी वजह से कोई दिल शिकनी हो जाए किसी की, तो अल्लाह और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से और रमज़ान अल मुबारक के महीने की वजह से, तो आपस में गिले शिकवे दूर कर दो, मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए, मोहब्बत भाईचारे में रहना चाहिए।
उमर भाई बोला भी नहीं जा रहा इस वजह से कि यानी कि बिल्कुल जबान ना साथ नहीं दे रही, खुशक हो रही। शुगर पेशेंट हैं यार, कोई बात नहीं, अल्लाह हिम्मत देगा। और आप दोस्त जो मेरे हैं अपना, जो हमें चाहते हैं, ये हमारे लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह नबी के सदके से इंशाल्लाह। दाजी कितनी देर होगी रोजे रखते हैं, मां से बताइए। मैं हल्फन कह रहा हूँ रोजे से, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के मुझे कसम खाने का ना शौक है। मैंने जब से होश वाली है ना, तो मैंने रोज़ा नहीं कभी मिस किया। मेरा अल्लाह का इतना करम है, कभी भी मेरा रोज़ा मिस नहीं हुआ। बचपन का मुझे नहीं पता, कम से कम 35-36 साल मेरी शादी को हो गए उमर भाई। मैंने एक दिन अपनी मिसेज से सवाल किया, मैंने कहा अपना आप ये बताओ, 36 साल मेरी शादी को हो गए हैं, तो 36 साल में कभी मेरा रोज़ा मिस हुआ हो, कभी कज़ा हुआ हो? कहने की नहीं हुआ। देखिए 36 साल की तो बड़ी बात है, बीवी जो है ना वो जामिन है, खुदा की कसम वो मेरी बीवी जामिन है बेचारी। अल्लाह ताला उसको भी सेहत दे या अल्लाह। जितने बीमार हजरात हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से, जितने बीमार हैं अल्लाह ताला को सेहत कामला उनको अता करे, सेहत जमील अता फरमाए, अल्लाह पाक हिम्मत दे, ताकत दे, हिम्मत रख दे, उनको ताकत दे ताकि वो रोजे रख सके। हाँ जी, एक बात और कहूंगा, आपकी बात कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं रोजा कहता, सिर्फ बातें ही हैं। हमें देख लो कैसे फ्रेश बैठे हुए हैं, करा के क्या हो जाएगा यार, कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ रोजा रखना है मेरा ये मानना। आपने सहरी कर ली ना, नमाज पढ़ ली, आपका रोजा रखा गया। और एक चीज है उमर, देखे अल्लाह के जो फरिश्ते होते हैं ना, अल्लाह ताला जिस वक्त रोजा खुलता है पहले आसमान पर आ जाते हैं, अपने फरिश्तों को कहता है, कहता देखो कितनी चीजें मेरी नेमते मेरे बंदे के सामने रखी है, जब तक अजान नहीं होगी या सायरन नहीं होगा मेरा बंदा नहीं उठाएगा। ये इंसान में तो तकवा पैदा करता है। और रमजान रोजा रखने का फिजिकली बड़ा फायदा, बॉडी को इंसान की जितने भी फजूल बैक्टीरिया होते हैं आपके जिस्म में, वो सब भूख प्यास की हालत में मर जाते हैं, हर चीज से फायदा ही फायदा। तो लिहाजा हमारा पैगाम है, हम कोशिश करेंगे, खुद भी रखेंगे, तीन तो रखे हैं। हाँ जी, मैं भी रखता हूँ, मेरे दो चार छूट जाते हैं, लेकिन मैं उनको यही कहूँगा, मैं ये बात कर रहा था आपसे बीच में रह, कि जो लोग कबूतरबाजी के पीछे रोजे छोड़ ही जा रहे हैं, मुसलसल ही छोड़ी जा रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम है? उनके लिए पैगाम, क्योंकि हमारी कम्युनिटी ज़्यादातर कबूतरबाजी है ना, उनके लिए पैगाम ये है कि यारो दोस्तों यार, ये कबूतरबाजी तो एक आर्जी है, है ना, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है मरने के बाद, उसकी हमें तैयारी करें यार, रोज़े रखें, नमाज़ पढ़ें, और रोज़ा रख के तुम्हारे कबूतर भी इंशाल्लाह ताला बैठेंगे, नमाज़ पढ़ के दुआएं करेंगे सारे कबूतर। अब ये लोगों के साथ साथ कबूतर नहीं बैठे, किसी के पांच पांच नहीं बैठे, हैं, खुदा की कसम ये दरूद इब्राहिमी पढ़ा करें, इसका विर्द किया करें, और सुबह नमाज पढ़ के कबूतरों को झंडी मारा करें, इंशाल्लाह सारे कबूतर बैठेंगे। उमर भाई ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। अब ये हाथ में जो पकड़ी कबूतर, ये कबूतरी मैंने पकड़ी है, दो दिन उड़ी हुई कबूतरी है, ये पैरों तक वगी हुई थी उमर भाई, ये देखे चिट पड़ी हुई है, ये देखे ये पैरों तक, अब ये देखे फोन करके नहीं देते वापस यार, मैं इसलिए नहीं देता, फिर लोग ना, नहीं तल्लुक नहीं, मैं फ्री में दे दूं। अच्छा, पर वो उल्टी सीधी बातें करते, कप्तान से हमने 1000 की ले ली, कप्तान से हमने 2000, चिट तो दिखाएं, चिट तो दिखाएं, ये देखें क्या नाम लिखा हुआ पर बाजू, ये लिखा हुआ है, अच्छा कबूतर बना हुआ, ये देखें, ये आजकल ये चिट्टे चल रही है, आजकल कहीं मार्केट में बड़ी टैट चिट बांधी है इसको, और शौक रहे हैं ये जीरिया और सामानों में उड़ने वाली कबूतर। मैं कहता हूँ ये मैंने जब पहली दफा, मैं कबूतर मेरा उतरता नहीं जल्दी, ये इतनी उड़ी हुई थी, मैंने इसको एक डंडा मारा मेरे पैर के नीचे आ गई, और जब मैंने उठाया तो मेरे पैर हाथ सारे लिबड़ गए, यूं मैं नीचे लेकर आया सारी मेरी कमीज लिबड़ गई, ये देखे ना अभी भी, ये देखे कितनी अभी तक, ये देखे ना, ये देखे सारा पीला हुआ पड़ा, ये उमर भाई ये देखे, ये देखे ये देखे, ये पैर तक अभी तक लिबड़े हुए हैं इसके, और ये देखे कबूतरी ये खुराके चढ़ी हुई है, दिखाएं मैं शो करूं, जीरी कबूतरी और तांजी अच्छी कबूतरी है, बस एक ही पकड़ा कल, तांजी चिड़ी मारी हो रही है, कल तो 6 पकड़े हैं ना, मुझे ये बताएं रोजा रख के भी आते हैं? हाँ जी मैं पकड़ता हूँ यार, अल्लाह भेजता है, बड़ी बात है वो घर से आना रोजे में फिर चढ़ना ऊपर, ये देखे आपकी हिम्मत है, मैं तो ना जाऊँ यकीन, चीज देखे क्या है, क्या बात है यार, ये खुराके चढ़ी हुई है, ये जो गंदी गंदी हुई हुई है ना, तो ये कबूतरी का ये देखें यार, दूम का बैलेंस ही यार, उमर यार अच्छी कबूतरी, क्या बात है उड़ी कबूतरी, ये देखें पल्ला चेक कर लीजिए, बेहतरीन जी बेहतरीन। ले जी व्यूअर्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा वीडियो को, आपके लिए अभी रोजे का भी टाइम हो गया, अभी हम निकलते हैं अपने घरों को, फिर इंशाल्लाह कि कल किसी दिन आके, थोड़ा सा ब्राइटनेस का मसला आ रहा है वीडियो में, सही क्लियर नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द, ये देखें ये भी कबूतर किसी का आ रहा, आ गया, वो गया। कान जी ने कल 6 कबूतर पकड़े हैं, और कप शप भी है, शुगर मेला भी है, लगे रहते हैं केले शुगर मेले में। एक कान जी किसी का कबूतर बैठ रहा है। एक कबूतर किसी का बैठ रहा है कप्तान जी, आप चिट्टा नीचे फरोजी रंग लगे हुए हैं, फैंसी टाइप बनाया हुआ है।
है जी। और लाइक सब्सक्राइब करें तान जी, और कोई पकड़ा तो दिखाएं फिर ज़्यादा। 6 कबूतर कल पकड़े हैं, काफ़ी कबूतर अंदर भी मौजूद है इंशाल्लाह। और रमज़ान का महीना है इंशाल्लाह, अभी आपको पता वीडियो शीडियो का रुझान थोड़ा कम है, तो गर्मी यानी दिल करता रोज़ा रखे कहीं जाने का आने का। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह फिर आपके साथ शुगल मेला जारी है, सारी रखा जाएगा, इंजॉय करवाया जाएगा। कबूतर बैठ गया, हाँ वही बैठ रहा था, मैंने भी देखा था कबूतर बैठता बैठ आ गया आ गया आ गया, वो गया वो देखें वो कबूतर किसी का भी बैठ रहा है, ये मुड़ा तो आएगा, आ गया आ गया आ गया। चले तान जी लगाएं शेर, तान जी लाइव चिड़ी मारी का शो करवाते हैं आप। आ गया आ गया आ गया आ गया, चल चल चल, चिट्टा कबूतर है, गुलाबी और रंग भी बड़ा टीक लगा हुआ। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, देख रहा है, देखता देखता नहीं कर रहा, सियानपति कर रहा है। ये देखें ऐसी होती है, मुझे लग रहा उधर कहीं से उड़ा हुआ, उड़ा हुआ नहीं आया कबूतर, नहीं नहीं नीचे से कहीं से उड़ा हुआ। उमर भाई ये लें, ये भी कबूतर उतान जी ने, ये देखें चिट लगा कर जबरदस्त, बीच में से बंधा हुआ क्या? नहीं नहीं पार फूटा हुआ, इसी तरह के कबूतर उड़ते हैं लोगों के। ये देखें इसको भी चिट लगी है, दबा। और कप्तान जी को पैगाम मैसेज दें फिर इंशाल्लाह ज्यादा। यही कि यार अपना रमजान में, रमजान का महीना किस्मत वालों को मिलता है, किस्मत वालों को मिला है और हमें भी मिला है। और दूसरे ये कि बैठ जाओ उमर भाई, खड़ा नहीं होने जा रहा। हाँ जी मुझे तो प्यास से ज्यादा भूख लग रही है, कोई बात क्या वजह क्या? बस अभी एक घंटा हुआ है खत्म। नहीं नहीं लोगों को प्यास लगती है, मुझे तो भूख लग रही है। कोई आप सुबह वो पढ़ना इन्ना ताना कल कौसर फसल रबी का, नहीं मैं कह रहा हूँ रोजा, लोग रोजा खुलने का टाइम होता है, लोगों को प्यास लगती है, मुझे भूख लग रही है और अभी लग रही है। हाँ और उमर भाई एक चीज और है यार, वो ये है कि ना दोस्तों यार, ये जो तो आपके माँ बाप है यार है, उनका बहुत ख्याल करा करो, उनका एहतराम करा करो यार। ये देख चिड़ी मारी हो रही है, एक आधा मैं कह रहा हूँ पकड़ के ही चले जाए, बच्चा पार छोड़ के ऐसे बैठा है, जरा बैठने की कर रहा ना। तो एक यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है कि यार हाँ जी, खाने पीने का तो आपने बताया नहीं कि खाएं पिए क्या, आपका मेरी बात सुने, मैं इस पर ये बार 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 करता हूँ कि 65 साल की ज़िंदगी आपकी प्लस टाइम है, इस टाइम तक हम पता नहीं पहुँचते भी हैं कि इस तरह की खुराकें हैं, तो खुराक के वाले से भी लोगों को बताएं, जान है तो जहान है, जान होगी तो कबूतरबाजी करेंगे, जान होगी तो कुछ करेंगे कि नहीं, शौक होगा। खुराक का ये कि मैं तो सुबह हल्की सी ना नमकीन रोटी में लगवाता हूँ, अपना सादी रोटी जिसको कहते हैं, सादी रोटी के ऊपर ना देसी घी वगैरह लगा कर ना वो मैं चाय के साथ खाता हूँ। और इफ्तारी में क्या खाना? इफ्तारी में तो दुनिया भर की अल्लाह ने चीज़ें दी होती हैं, हमारे घर में 2-3 फैमिलियाँ रहती हैं, उनकी तरफ से कहीं से पकोड़े आ रहे हैं, कहीं से नहीं, नहीं वो फेहदमंद तो नहीं, मैंने एक दिन भी पकोड़ा नहीं खाया ना। नहीं, नहीं हमारे बाहर से नहीं आता, हमारे जो घर में चीज़ पकती है ना वही होती है। अच्छा। और मैं चला जाता हूँ हाइपर से, वहाँ से KNN वालों की चीजें ले आता हूँ, दूध दही का इस्तेमाल करें। हाँ लस्सी नहीं कप्तान जी, नहीं शाम को तो लस्सी करनी, सुबह सुबह शहरी में नहीं, नहीं मैं नहीं करता, मैं तो पीता हूँ लस्सी, मैं नहीं करता लस्सी, 2-3 ग्लास लस्सी का पी गए, रोजा रख के नमाज पढ़ कर टुंड होकर सोयो, चपाती लेकर ना बस मैं तो वही खाता हूँ। यार देव इंशाल्लाह कल ऊपर वाले कबूतर का भी शौक कराएंगे, कल इंशाल्लाह कल आपको ना मजा दिखाएंगे, कबूतरों का भी शौक कराएंगे। आज ना मेरे से ना बोला नहीं जा रहा दोस्तों यार, कोई गलती हो तो माफ कर देना यार, जीरा कबूतर है वो गुटक रहा है, वो जो पकड़ा चिट्टे लगा दो नारा गुटक मुझे मादी है। अच्छा दूसरे ये की उमर भाई एक चीज और है कि यार दोस्तों खताएं जिंदगी में होती है, तो अपना समझ के यार किसी से कोई हो जाया करे तो यार आप ना माफ कर दिया करो, लोग बड़े प्यार वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, मुझे खुशी है कि लोग हमें देखते हुए जो मोहब्बत प्यार करने वाले हैं यार, और ऐसे लोग भी हमें ऐसे लोग भी नहीं चाहिए जो है ना उल्टी सीधी क्या नाम है सूरत नहीं, किसी को जोर जबरदस्ती तो नहीं कहते, हम तो नाश्ता लेकर गए, नान वगैरह पिशाबी वगैरह दिखाए, लोगों ने हमारे बारे में कमेंट्स कर दिए यार के यार अल्लाह माफ करे, लोग मेरी बात सुने दान जी, लोगों का काम है बातें करनी, जो मोहब्बत प्यार हर बंदे से गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं तुम ये बताओ ना, गलती कोताही हो गई एक बंदा माजरत कर ले खत्म हो गई बात, अल्लाह ताला के लोग वैसे बहुत पीछे हैं, हकूक लिबाद हकूक उल्ला,
यार अगर किसी से गलती हो गई, सरजर्द हो गई हो, वो बंदा एपिशिएट कर ले, दिल से माजरत कर ले, तो यार हमारा बड़ापन है, उसको माफ कर देना। जी वो बात तो एक लहदा है, लोग वैसे पीछे हैं डब्बे करने के, आपको पता तो है आप कौन सा लहदा रहते हैं इलाके से। चलो कोई बात नहीं, कोई भाई हमारे लिए ना किसी के दिल में कोई बात थी, हमारे लिए तो कोई नहीं है, अल्लाह जानता है, ना किसी के लिए बुगज रखा ना कीना रखा, खुश रखे बात रखेंगे किसी के लिए, इसलिए सब हमारे शोक दिखाते थे, दिखाते हैं कि प्रधान जी हमारे साथ थे हैं, इंशाल्लाह रहेंगे भी, और आप लोगों को शुगर मुगल दिखाते रहेंगे। अभी रमजान का महीना थोड़ा डल चल रहा है, यानी कि कबूतर भाई से हम पीछे हट गए हैं, अभी कबूतर शबूतरों के रमजान के बाद फिर मार्केट में आएंगे सही तरीके से लेने देने लगा। कप्तान जी कल फोन बड़े आ रहे थे कबूतरों के, यार वो बोले इतने फोन मैसेज आए हैं, वो कुछ बताया नहीं आपने। कप्तान जी आज मैं तुम्हें पता, मैं बहुत मेरे आज हालात सही नहीं थी, आज बिक जाएंगे कबूतर, उनके कौन से रुकने हैं। नहीं फोन मैंने कहा कप्तान, आपका नंबर भी बीच में बोला हुआ था, मैं कहा यार वो रहा करो उनसे। खैर कप्तान जी कोई शेर शुर सुनाए फिर ज्यादा देते हैं, कोई शेर आज नहीं सुना रहा यार, शेर बोलना नहीं चाह रहा हूं, बहुत मेरी तबीयत खराब। चले ठीक है, अल्लाह पाक शेर दे तंदुरुस्ती, ओके जी, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।